इस लड़के को एक अजीब बीमारी है। हर रात 12 बजे ये किसी दूसरे इंसान के शरीर में जागता है। कभी ये एक हैंडसम लड़का होता है, कभी यह एक सुंदर लड़की होती है। जब तक इसे याद है तब से ये लड़का अलग अलग लोगों के शरीर में रह रहा है। जब भी ये किसी से शरीर बदलता है तो ये उस इंसान की सभी यादें देख सकता है। एक दिन टोनी ने डेविड को अपने वश में कर लिया। डेविड की एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड है जिसका नाम एनी है। जिस वक्त उसने एनी को देखा, टोनी को इस लड़की से एक बेवजह लगाव हो गया। उसने धीरे से लड़की की तरफ हाथ बढ़ाया, उसके बालों को उसके कानों के पीछे किया। लड़की बोलती है, शायद ये मजेदार होगा अगर हम कहीं घूमने जाएं। ये बोलती है, क्यों ना अभी चलें। लड़की को उम्मीद नहीं थी कि उसका बॉयफ्रेंड मान जाएगा। उन्होंने कार में लड़की का पसंदीदा गाना साथ में गाया, साथ में एक्वेरियम गए। एनी, जिसे पहले कभी उसके बॉयफ्रेंड ने नहीं संभाला था, बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस कर रही थी। दोनों के बीच की दूरी जो पहले दूर थी धीरे धीरे कम हो गई। एनी अपने बॉयफ्रेंड को अपने पिता के साथ अपने संघर्ष के बारे में बताने से खुद को रोक नहीं पाई। लड़के ने उसे धीरे से दिलासा दिया। एनी, जिसे उसके बॉयफ्रेंड ने घर भेज दिया था, बहुत खुश थी। उसे लगा कि आज उसका सबसे खुशी